हिमाचल कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से कांग्रेस का सदस्यता अभियान हर घर तक पहुँचना है। सदस्यता कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि उपचुनाव में जीत का श्रेय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्यों को कम करने के साथ साथ आज 3 काले कृषि कानूनों को भी रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस दौरान शुक्ला ने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीती प्रतिभा सिंह व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी व फतेहपुर से भवानी सिंह को जीत पर बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि उपचुनाव में मिले जन समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार एकजुट होकर कार्य कर रही है और 2022 के चुनाव के लिए पार्टी को सशक्त बनाने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान मात्र सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है बल्कि सदस्यों को जोड़ा जाए और आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूत हो। आज हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तथा गुरु पर्व के शुभ अवसर पर जो है पार्टी का सदस्य अभियान शुरू किया है और विधिवत रूप से श्री राजीव शुक्ला जी ने सबसे पहले मुझे सदस्य बनाया। ये नहीं कि मैं सदस्य नहीं था, रिन्यूअल, इट वॉज ए रिन्यूअल। और उसके बाद मैंने श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की मेंबरशिप जो है रिन्यूअल की और अब आज हम अपने जितने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सबको मेंबरशिप फॉर्म दे रहे हैं। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमारा ये मानना है कि अगर हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोशिश होती है कि हम ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा के चक्रों में मेंबरशिप कई बार फेक होती है। हमारी कोशिश है कि हम मेंबरशिप जो है जेन्यून मेंबरशिप होनी चाहिए और हमारी हमने सभी को ये हिदायतें दी हैं कि आप संख्या पे ना जाएं। मेंबरशिप भले ही कम हो लेकिन जेन्यून होनी चाहिए और ये सदस्य अभियान आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बनेंगे क्योंकि जिस ढंग से एक बदलाव आया है, जिस ढंग से हवाएं बदली हैं, फिजाएं बदली हैं, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता बहुत ज़्यादा होगी और सबसे बढ़ के बात ये होगी कि मेंबरशिप बहुत जेन्यून होगी। सर वहीं बात की जाए अभी कितने सदस्य हैं? देखिए मुझे पिछले उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि पिछले काफ़ी मेंबरशिप फॉर्म वापस भी नहीं आए तो पिछले की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आगे अभी मार्च तक ये कंपेन चलेगा जिसमें हमने ये किया कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो गांव-गांव जाकर बूथ में जाकर स्वयं जो है मेंबरशिप फॉर्म जो है भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।